आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार, मैंने दलित राजनीति और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर मैंने डॉक्टरेट किया है और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज में जन जागृति के लिए काम करता हूँ। डॉक्टर साहब आप टीम 22 के रेगुलर कमेंटेटर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो टीम 22 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी और जो आपको ऐसा लगता है कि इनमें अभी और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? टीम 22 से मैं बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा हूँ, मैं अभी कुछ ही दिनों से जुड़ा हूँ और विशेषकर मैं जो दिल्ली में जो सम्यक ग्रुप है, सम्यक ग्रुप से माध्यम से मैं टीम 22 यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर सुधीर राज सिंह जी उसके बनाते हैं वीडियो, तो मैं उसके माध्यम से जुड़ा और मुझे वीडियो बहुत अच्छे लगे और वीडियो अच्छे लगने के बाद उसमें सुधीर राज सिंह जी का नंबर भी था, मैंने उनसे बात करने की मेरे अंदर भावना पैदा हुई और जब मैंने बात की तो मुझे ये लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात भी हो जाएगी। मुलाकात बहुत जल्दी हो गई क्योंकि दिल की भावनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो जल्दी मुलाकात भी हो गई 23 सितंबर को वडोदरा में। तो उस मुलाकात में जो हमारी चर्चाएं हुई कि बताया कि जो टीम 22 के माध्यम से जो वीडियो बनाए जाते हैं धम्म को समझाने के, एक से बढ़ के एक बेस्ट वीडियो होता उसमें। और मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि टीम 22 यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसमें धम्म को समझाने के लिए आसान शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से बताई जाती हैं, क्योंकि सुधीर राज सिंह जी बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, अध्ययन का जो निचोड़ है वो सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और उसमें जो सबसे आप डॉक्टर हैं, आप भी अपनी वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप भी समाज को पढ़ाने के लिए और अपनी जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो कब इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि आप अपनी वीडियो हम देखेंगे, लोग देखेंगे? वैसे तो मैं काफ़ी समय से पहले ही कर रहा हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, लेकिन मेरे विषय दूसरे रहते थे। जैसे शहीद उधम सिंह पर बनाया मैंने, धम्म देशना के ऊपर बनाया मैंने और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सोशल मूवमेंट है उनके ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन वो मेरा मैं रूटीन में नहीं रह पाया क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तताएं थी। लेकिन अब जैसे मैं टीम 22 चैनल से जुड़ा हूँ और अब मैं कंटिन्यू इसको काम करना शुरू करूँगा, कल मेरा एग्जाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं ज़रूर से ज़रूर सारे के सारे वीडियो मैं भी निकालूंगा और इसी तरह धम्म के बारे में। आपको लगता है कि वीडियो किताबों से ज़्यादा मारक हैं? सर ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, जो आदमी किताबों में पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो किताबें बहुत कुछ होती हैं, हो सकता है वीडियो को देखने का टाइम भी नहीं हो, लेकिन आज के समय में जो आज की जो न्यू जनरेशन है जो स्मार्टफोन यूज करती है उसके लिए बेस्ट और बेस्ट है कि मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल से जुड़ करके वीडियो बनाए जाएँ और उनके दिए जाएँ, क्योंकि पढ़ने का उनको कम शौक है, पढ़ने में टाइम लगता है, जोर लगता है, लेकिन वीडियो देखने में क्या होता है कि विजुअल का जो ज्ञान लेने का जो विजुअल दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छा है, तो वीडियो महत्वपूर्ण। आपके जो डॉक्टरेट के विषय थे आप उन पे कोई सीरियल बनाना चाहेंगे वीडियो का? सर अभी तो सोचा नहीं है और मुझे बहुत हार्ड काम लगता, आपने ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था, तो आप कह रहे हो तो मैं जरूर इसके ऊपर काम करूंगा, काम करने के बाद फिर मुझे कैसा लगता है उसके बाद मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, अभी नहीं दे सकता सर। आपके संपर्क में आप जैसे और भी बुद्धिजीवी हैं? हाँ सर बिल्कुल, मेरा जो नेटवर्क है बॉम्बे से, नागपुर से, जालंधर से, हरियाणा से, कई जगह से है मेरा, और मैं बहुत सारे जो विशेषकर मेरा जो नेटवर्क है वो पढ़े लिखे डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, उनसे मेरा ज़्यादा कनेक्शन है क्योंकि मैं इसी टाइप का हूँ, मैं लेखक हूँ, रिसर्चर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। तो आपके पास काफ़ी बड़ी टीम है, आपको लगता है कि आप अपनी जो ऊर्जा जो आपने जानकारी ली है वो समाज तक आप जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे? हाँ सर बिल्कुल प्रयास करें, जैसे लेखक हूँ तो मैं किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी लिखते हैं, उनको भी बताता हूँ, पढ़ने के लिए उनके पास भेजता हूँ मैं, लेकिन ये जो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो का कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए प्रभावित हुआ टीम 22 चैनल से कि थोड़े समय में और वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से आज के युवाओं को ये जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि धम्म का या विचारधारा का ट्रांसफॉर्मेशन करने में आज हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हो। टीम 22 जो धर्म के बारे में या धम्म के बारे में बताता है और बाकी और भी जो चैनल्स हैं धम्म के बारे में बताते हैं, उनमें आपको बेसिक जो अंतर है वो क्या लगता है? हाँ बेसिक अंतर ये है कि टीम 22 चैनल देखते हैं, मुझे जो अंतर लगा वो जब टीम 22 चैनल धम्म के बारे में बताता तो धम्म के बारे में ही बताता है, वो दूसरी चीज़ें साइड की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं, उनको बाईपास करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा वीडियो में बहुत मेन चीज़ आनी चाहिए, जो दूसरे वीडियो देखते हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई गलत बात होती है, चीज़ें उसमें भी रहती है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा डाल दी जाती हैं, तो एक दर्शक होता है फिर उसको सिलेक्शन करने में, मेन बात पकड़ने में थोड़ा जोर लगता है, लेकिन टीम 22 चैनल में बिल्कुल मेन बात रहती है, थोड़े से समय में रहती है, इसलिए बहुत आसानी से वो जो दर्शक को पकड़ सकता है उसको।
चलिए आपको टीम 20 चैनल की तरफ से मंगल कामना है कि आपके वीडियोज टीम 20 चैनल डालेगा और हम आपकी वीडियोज देखेंगे, उनको प्रमोट भी करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।